क्या आपने कभी सोचा है रेगिस्तान की तपती धूप सिर्फ गर्मी का कारण नहीं बल्कि एक एनर्जी का भी अनलिमिटेड सोर्स हो सकता है? क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी सोलर एनर्जी परियोजना है जो लाखों घरों को साफ और ग्रीन एनर्जी दे रही है? हम बात कर रहे हैं बडला सोलर पार्क की, जो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में रिवोल्यूशन लेके आ रहा है। हाय एवरीवन, स्वागत है सभी को आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अक्षय और मैं बात करता हूँ सस्टेनेबिलिटी पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे सोलर एनर्जी भविष्य की दिशा है और पर्यावरण को बचाने में कैसे मदद कर रही है। आइए जानते हैं बडला सोलर पार्क की अनोखी कहानी। भाडला सोलर पार्क राजस्थान के एक थार रेगिस्तान में स्थित एक विशाल सोलर पावर प्लांट है, जो लगभग 56 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पार्क 2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क बन चुका है, जिसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। इसका विकास 2015 से 4 चरणों में किया गया और दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया था। इसको बनाने में 775 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग ली थी फ्रॉम क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड 1.4 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग बाकी के सोर्सेस से। भडला सोलर पार्क की शुरुआत राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड RRECL के द्वारा की गई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ज्वाइंट वेंचर्स है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भाडला को चुना गया क्योंकि यहां का एनवायरनमेंट सोलर एनर्जी को उत्पादन करने के लिए अत्यधिक अनुकूल था। इस क्षेत्र में हाई सोलर इरिडेंसी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और गवर्नमेंट लैंड, जो इसे एक आदर्श स्थान बनाती है। भाडला पावर पार्क को 4 चरणों में विकसित किया गया। पहला चरण 2017 में NTCP लिमिटेड ने 420 मेगावाट की नीलामी की, जिसमें फिनलैंड की कंपनी फोर्टम और अन्य कई डेवलपर्स शामिल थे। दूसरा चरण सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 250 मेगावाट की नीलामी की, जिसमें AMP एनर्जी भांडला सोलर प्लांट और NTPC भांडला सोलर प्लांट के अंडर निर्माण हुआ। तीसरा चरण ACME पावर 200 मेगावाट और जापान की सॉफ्ट बैंक ग्रुप SVG ने 300 मेगावाट जीता। चौथा चरण मई 2017 में पहलन एनर्जी ग्रुप 50 मेगावाट, अगाड़ा एनर्जी 100 मेगावाट एंड SBG क्लिनटेक कॉन्स्ट्रम 100 मेगावाट से टेंडर जीता। इसके बाद ACCI ने शेष 750 मेगावाट के लिए जून 2017 में निविदाएं जारी की। 2018 के अंत तक इस सोलर पावर के कुल 2055 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त की, जिससे ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया। भडला सोलर पार्क इंडिया नेशनल सोलर मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी स्थापित करना है। यह पार्क भारत के पेरिस समझौता के तहत 2030 तक 33-35% कार्बन इंटेंसिटी को भी कम करने का मदद करता है। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्क हर साल 4 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करने में मदद करता है, जो हमारे पृथ्वी को पोल्यूशन से बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सोलर एनर्जी के माध्यम से डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल को भी कम करती है। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है। जैसे वर्ल्ड बैंक स्टडी के अनुसार भडला सोलर पार्क ने कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन के दौरान 10,000 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए। इसके अलावा पावर सप्लाई की क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे लोकल रेसिडेंट को स्टेबल एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। फ्यूचर में भडला सोलर पार्क का विस्तार और भी अधिक होगा। सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी में हो रहे डेवलपमेंट से ये पार्क और भी अधिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा। ये ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा। इतने बड़े स्केल पर और रेगिस्तान इलाके में होने के कारण भडला सोलर पार्क को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंजेस सोलर पैनल पर धूल जमने की, जिससे इसकी इफिशियंसी और प्रोडक्शन में कमी आती है। ये एरिया अक्सर सैंडस्टॉर्म और डस्टस्टॉर्म का सामना करना पड़ता है, जिससे पैनलों की सफाई करना एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। हालांकि इन चैलेंजेस के बावजूद रेगुलर मेंटेनेंस और क्लीनिंग के माध्यम से ये पार्क को चालू रखा जाता है। कोपिया रोबोटिक क्लीनिंग सॉल्यूशन जैसे इन एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इन पैनलों की क्लीनिंग किया जा रहा है। भडला सोलर पार्क इंडिया के एनर्जी सेक्टर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम एनर्जी नीड्स के अनुसार एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट न केवल एनर्जी सप्लाई करती है, बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम सैटेलाइट व्यू के जरिए देखेंगे तो भडला सोलर पार्क कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।